हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैलकुलेशन ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे स्केयर की ट्रिक। ऐसा टू डिजिट नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, फॉर एग्जांपल जैसे 25 का स्केयर, 35 का स्केयर, 55 का, 45 का, 65 का, 75 का, फ्रेंड्स 85 का, 105 का, 105 का। सबसे पहले हम लास्ट डिजिट देखेंगे। 5 का आपको पता है 25 आएगा, 25। फ्रेंड्स, बचा हुआ नंबर 2 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 का नेक्स्ट 3, तो 3 टू जा 6, 6 टू 5, नेक्स्ट आएगा 5 का 25। फ्रेंड्स, 5 का हर जगह 25 ही रहेगा, सेम 25 25, सो ऑन 25। तो 3 का नेक्स्ट नंबर 4, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, तो 4 3 जा 12, तो 1225। जी हाँ, 1225 आएगा आंसर आपका। नेक्स्ट डिजिट इसका 7 76 या 42, 422 आंसर। नेक्स्ट इसका 8 87 या 56, तो 25 आएगा, 56 आएगा, तो 5625 आंसर। सेम इसका 98 या 72, तो 7225। नेक्स्ट सेम रहेगा 5 का 25, और बचा हुआ नंबर 10 का नेक्स्ट नंबर 11, तो 11 की मल्टीप्लाई 10 से, तो 10 11 जा 110, ये आंसर आएगा। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रिक। आप सबको पता है 1 का स्केयर 01, 11 का 121, 111 का, फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ वंस गिनने हैं कितने हैं। जैसे 1 2 3, जी हां 1 2 3, और जहां से रिवर्स 2 1 आंसर। 1 1 1 1 फोर टाइम आएगा, तो नंबर ऑफ वंस टोटल कर लेने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4, फिर 4 से वापस 3 2 1। सेम अगर 5 रहेंगे तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, सो ऑन। नेक्स्ट ट्रिक रहेगी 3 का स्केयर। फ्रेंड्स, सबको पता है 3 का स्केयर 9 आएगा, 09। नेक्स्ट आएगा 33, 33 आ गया, अगर ये 2 टाइम है तो 09 सेम रहेगा, 1 डैश यहां पे आएगी और 1 डैश यहां पे आएगी। जहां से एक नंबर कम करना है, और वही जो एक कम करना है वो 0 में ऐड कर देना है। जैसे 9 में से माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1089 आंसर। सेम 33 रहेगा, 2 वाले में सिंगल सिंगल डैश थी, अब 3 वाले में डबल डबल होगी, मतलब एक कम लेनी है, तो डबल डैश 0, डबल डैश 9। तो सेम प्रोसीजर, माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, वही 1 इसमें डाल देंगे, 1 1। नेक्स्ट अगर 4 टाइम आ गया, अब आपको पता है 3 का 2 टाइम डैश आई थी, 4 का 3 टाइम आएगी, तो सीधा आंसर आ जाएगा 1 1 1 0 8 8 8 9। सेम 5 टाइम रहेगा तो 4 टाइम आएगा, 1 1 1 1 0 8
9 आंसर, सो ऑन। फ्रेंड्स सेम ट्रिक रहेगी 6 और 9 में भी, जैसे 6 का स्क्वायर 36, तो डबल 6 का सेम ट्रिक। अब डबल है, जैसे इसमें डबल था तो सिंगल सिंगल डैश ली थी, इसमें अब आएगा सिंगल सिंगल डैश आएगी, ये दोनों नंबर जहां पे आ जाएंगे 6 और 3। सेम प्रोसीजर, 6 में से माइनस 1 करना है तो 5 आएगा, और वो ही 1 इसमें 3 में डाल देना तो 4 आएगा। सेम ट्रिपल 6 रहेगा तो 4 दो टाइम आ जाएगा, 4 4 3 5 5 6 सो ऑन सेम। फ्रेंड्स सेम ट्रिक रहेगी 9 में भी, 9 का स्क्वायर 81, डबल 9 का स्क्वायर 8 और 1 आएगा, एक एक डैश आएगी, 1 में से 1 माइनस आएगा 0, वही 1 इसमें आ जाएगा 9। जी हाँ ये है आंसर आपका, ट्रिपल 9 आएगा, ट्रिपल 9 में 2 2 डैश आएगी, तो सीधा आंसर क्या आएगा 2 2 डैश आएगी, तो 1 और 8 आएगा, इसमें आ जाएगा 9 9 0 0 1, 4 टाइम रहेगा, तो 4 4 बाई 4 तो 3 बाई 3 डैश आएगी, तो आंसर क्या रहेगा 9 9 9 8 ट्रिपल 0 1 सो ऑन। फ्रेंड्स चलता रहेगा ऐसे ही। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रिक हम करेंगे 100 के हेर फेर में, आगे और पीछे 100 के, जैसे 90 से लेकर 100 तक, या फिर 100 से लेकर 110 तक। फ्रेंड्स 98 का स्केयर आ गया, मान लो आपने देखना है 98, 100 में से कितने कम है 2, तो 98 में भी 2 कम कर देने हैं, तो क्या आएगा 96, कितने कम किए 2, तो जितने कम करेंगे उतने का स्केयर कर देना है, 2 का स्केयर 4, तो 0 4 आंसर आएगा। सेम 96 आ गया, फर्स्ट स्टेप क्या है 100 में से देखना है कितने कम है 4, तो 96 में भी 4 कम कर दो, तो 4 कम किए तो 92 आ गया, कम कितने किए 4, तो 4 का स्केयर कर दो, 4 हो जा 16, तो 9216 आंसर है आपका। सेम रहेगा 97 का, तो 97 100 में से 3 कम, 97 में से भी 3 कम कर दो, तो क्या आएगा 94, कम कितने किए 3, तो 3 का स्केयर 3 3 9 0 9, ये आपका आंसर रहेगा। सो ऑन फ्रेंड्स 95 98 99, फ्रेंड्स मैंने आपको बताई है 95 का एक ट्रिक ऑलरेडी फर्स्ट ट्रिक दी थी, लास्ट डिजिट 5 था, तो 5 का 25 बचा हुआ नंबर 9, 9 को नेक्स्ट डिजिट से करना है, 9 10 जा 90, ये भी इसका आंसर है, या फिर इस ट्रिक से भी करना चाहो तो कर लो। 95 100 में से कितने कम है 5, तो 95 में से भी 5 कम करेंगे तो 90 आएगा, कितने कम किए 5, तो 5 का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा 25। फ्रेंड्स सेम आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रिक पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रिक काफी इंटरेस्टेड ट्रिक है, 100 से लेकर 110 तक। मान लो आपको 102 का स्केयर आ गया, कुछ नहीं करना, 1 का 1 रहेगा, पहले स्टेप में इन दोनों को प्लस करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, पहले स्टेप में प्लस नेक्स्ट में मल्टीप्लाई, देखो प्लस करेंगे तो 02 प्लस 02 04 आएगा, जी हां 04, नेक्स्ट
जीरो टू मल्टीप्लाई जीरो टू, टू टू जा फोर, मतलब जीरो फोर, ये आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट देख लो, हंड्रेड थ्री आ गया, सेम हंड्रेड टेन तक जो मर्जी आ जाए, वन का वन ही रहना है। वन फर्स्ट टाइम में क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, जीरो थ्री प्लस जीरो थ्री जीरो सिक्स, नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई जीरो थ्री मल्टीप्लाई जीरो थ्री जीरो नाइन, सेम हंड्रेड सेवन आ गया। तो फर्स्ट स्टेप वन का वन ही रहेगा, जीरो सेवन प्लस जीरो सेवन, सेवन और सेवन फोर्टीन, टू डिजिट में आ जाएगा तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो सेवन प्लस जीरो सेवन फोर्टीन, और फिर सेवन मल्टीप्लाई सेवन फोर्टी नाइन, डबल वन डबल फोर नाइन आंसर आएगा। फ्रेंड्स अब जो ट्रिक करवाने जा रहा हूं, मैंने जितनी भी ट्रिक करवा दी है, ये एक ऐसी ट्रिक है जो उन सभी ट्रिक का आंसर भी एक ही ट्रिक में आ जाएगा। मान लो आपको किसी भी नंबर का स्केयर आ गया अप टू हंड्रेड, सपोज कर लो ट्वेंटी थ्री का आ गया, ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप है लास्ट डिजिट का स्केयर, थ्री थ्री जा नाइन, नेक्स्ट स्टेप इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, थ्री टू जा सिक्स, और इसको डबल करना है, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू आएगा और वन कैरी आएगा, लास्ट स्टेप लास्ट फर्स्ट डिजिट का स्केयर, टू टू जा फोर, फोर और वन फाइव, यही है आंसर। सेम और नंबर ले लेते हैं, फोर्टी टू ले लेते हैं, फर्स्ट स्टेप लास्ट डिजिट का स्केयर, टू का स्केयर, टू टू जा फोर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फोर टू जा एट, एट को डबल किया तो सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स आएगा, वन कैरी आएगा, लास्ट फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन और वन सेवनटीन।